हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप लोग कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग कई सारे तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उन तरीकों के करने के बावजूद भी आप लोगों का जो लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की लाभार्थी हो, उसका रजिस्ट्रेशन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैंने भी कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें आप लोगों को बताया है कि ये तरीका करके आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन वो तरीका करने के बाद आप लोग फिर से जब लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे तो आप लोगों के सामने इसी प्रकार से जो है वो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करने के बाद आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो ब्लैंक हो जा रहा है, उजला दिखाई देने लग रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ तरीके जो है उसको अपनाने होंगे, तभी जो है आप लोग लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो तरीका क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अगर आप लोग लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड जो है वो उजला हो जा रहा है, तो पहला जो तरीका है आप लोगों को यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। मोर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग सिंपली इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आपको क्या करना होता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों को फिर से अपना जो है मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉग इन करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है वो लाभार्थियों की जो संख्या है वो शो नहीं होगी। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग किसी भी कैटेगरी में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में जब एक बार आप लोग यहाँ पे लॉगिन करके और लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से अगर पोषण ट्रैकर ऐप को बैक कर देते हैं तो जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को पुनः वापस ओपन करेंगे तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे जो है तो जो बैकग्राउंड है वो फिर से उजला दिखाई देने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, अभी पोषण ट्रैकर ऐप पे सर्वर की वजह से हो रही है। जब तक कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों को इसी प्रकार से काम करना है, जैसे कि लॉग आउट करना है और लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पोषण ट्रैकर ऐप को बैक नहीं करना है। बैक अगर आप लोग कर देते हैं तो फिर से जब आप लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड उजला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाया है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि दूसरा क्या तरीका है, कि अगर आप लोग यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है वाइट वाइट दिखने लगता है तो पहला तरीका तो आप लोगों को लॉग आउट करके वहाँ पे जो लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप लोगों को क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार आप लोगों को यहाँ पे ऑन इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। पोषण ट्रैकर ऐप पे आप लोगों को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, उसके बाद यहाँ पे ऑन इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे ऑन इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप ऑन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फिर से प्ले स्टोर को आप लोगों को ओपन करना है। चलिए यहाँ पे प्ले स्टोर हम लोग ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को पुनः हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा, पोषण ट्रैकर लिख के। जैसे ही पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस प्रकार से जो है नए नए वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप सिंपली इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम लोग अब ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को फिर से जो प्रोसेस है वो अपना एम पिन और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से एरो पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना जो मोबाइल नंबर है और एम पिन है उसको हम लोग डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल लिया है। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब हम लोग फिर से यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसी एक कैटेगरी को ओपन करते हैं जहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने जो है लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से आप लोग जो लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आप लोग इस पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करके और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको पोषण ट्रैकर ऐप बैक नहीं करना है। अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप बैक कर देंगे तो फिर से वही प्रोसेस आपको करना होगा, लॉग आउट करना होगा या फिर पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर आसानी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से फिर से पोषण ट्रैकर ऐप को बैक करके आपको दिखाते हैं और फिर से ओपन करके दिखाते हैं कि अनइंस्टॉल करने के बाद और जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप बैक करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे तो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वाइट दिखाने लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो एकदम फैक्ट बताता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे फिर से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो तरीका आप लोग कर रहे हैं उस तरीके को करने के बाद आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप को बैक नहीं करना है, ठीक है। बैक करेंगे तो आप लोगों को फिर से वही समस्या देखने को मिल जाएगी। अब चलिए मैं आप लोगों को एक और तीसरा तरीका बताता हूँ, आप लोग कोई भी तरीका अपना के पोषण ट्रैकर ऐप में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे फिर से यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये तीन तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके को अपना करके आप पोषण ट्रैकर ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना होगा, यही तरीका है, बाकी अभी कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को आसानी से यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक कि न्यू अपडेट नहीं आ जाता है तब तक ये आप लोगों को इसी प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो स्टोरेज एंड कैचे वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप का स्टोरेज भर जाता है, आप लोग जो काम करते हैं उस चीज़ को यहाँ पर खाली करना होगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस स्टोरेज को क्लियर करने में कोई भी इशू नहीं है, आपका पोषण ट्रैकर ऐप का कोई भी डाटा आपका यहाँ से क्लियर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें जो आप लोगों का डाटा भर जाता है वही क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपके पोषण ट्रैकर ऐप का स्टोरेज है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप को पुनः ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग करके जो है पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बाकी कोई भी तरीका अभी नहीं है जिससे कि आप लोग अलग तरीके से जो है लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये टेक्निकल इशू हो सकता है, सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक आप लोगों को इसी प्रकार से काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और फिर से अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि पोषण ट्रैकर ऐप के जो भी लाभार्थियों का डेटा है यहाँ पे शो होने लगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे फिर से किसी भी एक कैटेगरी को ओपन करेंगे
और ओपन करके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो आसानी से यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से आपको बता दूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप को बैक नहीं करना है, ठीक है, इसी पे अभी आप लोगों को रहना है। और जब तक एक लाभार्थी का, दो लाभार्थी का, जितने भी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं कर लेते हैं तब तक पोषण ट्रैकर ऐप को बैक नहीं करेंगे। बैक करेंगे तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम आ सकती है, वाइट बैकग्राउंड आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना के पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना होगा जब तक कि कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है। हालांकि अपडेट आना चाहिए, एक महीना से अब ऊपर होने वाला है अपडेट। पिछला जो 21.7 का अपडेट आया था उसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट इसमें नहीं आया है, ठीक है। जब अपडेट आएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल अभी आप लोग इसी प्रकार से काम करते रहिए। आपको मैंने इस वीडियो में सारे तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आप लोगों को सही लगे उसी प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिए। पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे डीके टेक्निकल चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।